वो ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदल डाला था। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में संगीत जगत में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी कायम हैं और फिल्म जगत में एक मिसाल हैं। उनकी आवाज और खूबसूरती को देखकर दोनों देश ही नहीं दुनिया भर से फिल्मों में काम करने के प्रस्ताव आने लगे थे और फिल्म निर्माता उन्हें ब्लैंक चेक तक दे रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत के शिखर पर पहुंचने के बावजूद ये गायिका एक्टिंग और ग्लैमर से कोसों दूर रहती थी? मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से। कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूर है कि मुझे अपनी एजुकेशन से बहुत लगाव है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस गायिका को अपनी सीधी सादी जिंदगी जीने के बदले पति के धोखे और घरेलू हिंसा जैसी कीमत तक चुकानी पड़ी थी? लेकिन मेरा दिल रो रहा। और क्या आप यकीन करेंगे कि बहुत कम उम्र में ही इस गायिका की मौत हो गई और उनकी लाश को भी सुकून पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ा। कौन थी ये सिंगिंग सेंसेशन जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गाना शुरू किया और तहलका मचा दिया? क्या खासियत थी उनकी आवाज में जो आज दशकों बाद भी उनका जादू कम नहीं हुआ है? क्यों इतनी उपलब्धियों के बावजूद निजी जिंदगी में नहीं मिल पाया उन्हें कोई सुख और क्यों उनके दिलफेंक पति पर लगा था उन्हें जहर देने का संगीन आरोप? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आरजे कंगना। जी हां, वही फिल्मी किस्से वाली आरजे कंगना। जो लोग बॉलीवुड को कुछ दशक पहले से जानते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक की मशहूर गायिका नाजिया हसन की। आज की पीढ़ी बेशक इनके नाम से कम वाकिफ होगी लेकिन उस दौर के संगीत प्रेमियों के लिए नाजिया की आवाज दीवानगी से भी कहीं बढ़कर थी। दुनिया नाजिया की आवाज की दीवानी थी लेकिन उनकी निजी जिंदगी दर्दनाक थी। आज हम आपको सुनाएंगे इस गायिका को 15 की उम्र में मिली करिश्माई पॉपुलैरिटी और 35 साल में हुई दर्दनाक मौत के दरमियानी उथल पुथल भरे 20 साल की अनसुनी दास्तान। लेकिन उससे पहले एक नजर उनके छोटे से शुरुआती जीवन पर। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई। नाजिया हसन की मां मुनीजा और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो बासित दंपत्ति के लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनके नजर गिटार पर पड़ी। वो झट से पूछ बैठी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी। उन्होंने जीनत को एक गाना सुनाया जो सभी को काफी पसंद आया। धुंधली रात के दुखिया साए, धुंधली रात। एक दिन बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, इंडिया में एक्टर फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। यह किस्सा नाजिया की मां ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था। मुनीजा ने पहली बार में तो इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था।
लेकिन इसके बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने कहा कि वो पति से बात करके ही कोई जवाब देंगी। शुरू में तो बासिर नाराज हुए, लेकिन कुछ मिनटों की बहस के बाद उन्हें अपनी पत्नी मुनीजा के आगे झुकना पड़ा। जीनत ने मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से करवाई। इस फिल्म के गानों और स्कोर के लिए वैसे तो कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन कुछ गानों के लिए उन्होंने लंदन के एक भारतीय मूल के संगीतकार बिद्दू से बात की थी। बिद्दू आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों से कमाल का संगीत बना रहे थे, जो उन दिनों पश्चिमी देशों में बेहद लोकप्रिय था। 15 साल के नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज खान ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया, जो 1980 में रिलीज हुई थी। नाजिया ने फिल्म के लिए बिद्दू के संगीत निर्देशन में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाया, जो चार्टबस्टर साबित हुआ। गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गईं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना चार्टबस्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास मशहूर निर्माता निर्देशक राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नाजिया को मिलेगा। फिर पूछा, क्या आप अवार्ड लेने भारत आएंगे? ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 साल की उम्र में किसी कलाकार को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया हो। भारत में दिया जाने वाला ये पुरस्कार इससे पहले किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया गया था। उनसे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हुआ। संभवतः पहली बार इस अवार्ड को पाने वाले को फंक्शन से पहले ही बता दिया गया था। बहरहाल साल 1981 में पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीमेल सिंगर का ये पुरस्कार नाजिया को आप जैसा कोई गाने के लिए दिया गया था। अवार्ड नाइट के दिन जिस होटल में नाजिया ठहरी थी, वहां दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। पहले गाने के बाद ही कम उम्र की नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गईं। उन्होंने 1981 में ही संगीतकार बिद्दू के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। ये एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। भारत में तो पहले दिन ही इसके 1,00,000 रिकॉर्ड्स बिक गए। साथ ही इसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी काफी पसंद किया गया। अपने पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। इससे पहले विदेशों में भारतीय फिल्मों के गाने ही लोकप्रिय होते थे, लेकिन डिस्को दीवाने पहला ऐसा नॉन फिल्मी एल्बम था जो बॉलीवुड संगीत पर भी भारी पड़ा। ब्राजील में ये पहला कोई दक्षिण एशियाई एल्बम था जो चार्टबस्टर बना था। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। कहते हैं फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें ऑफर में ब्लैंक चेक तक दे देते थे, लेकिन हर बार नाजिया ऑफर ठुकरा दिया करती थीं। दरअसल परिवार वाले मानते थे कि नाजिया के लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ कि नाजिया जहां जाती थी वहां भीड़ लग जाया करती थी। एक बार जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें देखने भर के लिए 1,00,000 लोग जमा हो गए थे। नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए बिद्दू ने उन्हें अगले साल 1982 में अपने म्यूजिक एल्बम बूम बूम में एक्टिंग करने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना गाया। बाद में इस एल्बम के गानों पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था स्टार। हम दोनों
1984 में रिलीज हुआ नाजिया और जोहेब का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। 1986 में नाजिया ने बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए जिनके नाम थे दिलवाला, इल्जाम और मैं बलवान। उसी साल उन्होंने अफ्रीका में बनी भारतीय फिल्म अफ्रीकाडली शीला के लिए भी प्लेबैक किया। ১৯৮৭ में नाजिया और जोहेब ने एक एल्बम बनाया जिसका टाइटल था हॉटलाइन। नाजिया गाने तक ही सीमित रहीं, लेकिन फिल्मों में काम करने के ऑफर उन्हें लगातार मिल रहे थे। कहते हैं अपने जीवन के आखिरी दौर में जब राज कपूर अपनी फिल्म हिना के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे तब उन्होंने नाजिया हसन को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। 1992 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया जिसके ठीक बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका आखिरी एल्बम है। नाजिया का परिवार वैसे तो पढ़ा लिखा था लेकिन वो फिल्मों में काम करने को नीचा समझता था। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने 1992 में हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। लंदन की रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने यूनाइटेड नेशंस में वुमेन्स इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। 30 मार्च 1995 को घर वालों ने नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से करा दी। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरीज को जन्म दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। नाजिया का पति इश्तियाक बेग एक दिलफेंक किस्म का इंसान था। Pleasure meeting you. You look prettier. Huh? You look smarter. You look younger. What is the secret of Botox, darling? कहते हैं उसका एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली तो घर में झगड़े और बढ़ गए। ऐतराज करने पर पति उनके साथ मारपीट करने लगा। नाजिया को बाद में पता चला कि उससे पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन ये बात उनके घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की डांसर हेजल से शादी की थी जिससे एक बेटा इमरान बेग था। उसकी दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। दोनों शादियां नाजिया के परिवार से छिपाई गई थीं। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं था। इस बीच नाजिया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और उन्हें फेफड़ों का कैंसर डिटेक्ट हुआ। नाजिया पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनके पति ने कैंसर के इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया। नाजिया कहती थी पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना ज्यादा पसंद करेंगी। नाजिया के भाई जोहेब ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनकी बहन को उसके पति ने बंदी बनाकर रखा था। परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। इसके बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में करवाया। वहां नाजिया की 5 कीमोथेरेपी हुई। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि पति उन्हें जहर दे रहा था और स्लो पॉइजन के असर से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। कहते हैं ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी जानते थे। नाजिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इस बात की जांच की जाए।
10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें लंदन के नॉर्थ लंदन हॉस्पाइस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर्स उन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन वो घर नहीं लौट सकी। 13 अगस्त 2000 को सुबह करीब 9:15 बजे हॉस्पिटल से नाजिया की मां मुनीजा को कॉल कर जानकारी दी कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। मां अस्पताल के लिए निकली, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नाजिया की मौत हो चुकी थी। हालांकि नाजिया की मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डर्स ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर दिया। दोनों घरों में फॉरेंसिक टीम ने डिटेल में जांच की। यूके में कुछ महीनों बाद एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि ये एक नेचुरल डेथ थी। पाकिस्तान के नामी न्यूज चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दा घर में रखा गया था। परिवार को उनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया था। नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हिंडन कब्रिस्तान में हुआ था। पहले उन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नाजिया के पति ने उनकी मौत के बाद तलाक की बात को निराधार कहा। उसने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी थी। हालांकि घर वालों का कहना था कि नाजिया ने मौत से 3 महीने पहले ही उसे मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी मानता है, जबकि नाजिया के बेटे अरेज की कस्टडी उसे नहीं दी गई। नाजिया की मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया की जगह ये अवार्ड उनकी मां लेने पहुंची थी। उनकी मौत के बरसों बाद 2012 में एक बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनके गाए गाने का कवर वर्जन बनाया गया, जिसमें उनकी ओरिजिनल आवाज का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी साल एक और फिल्म मिस लवली में भी उनके गाए पुराने गाने का इस्तेमाल किया गया था, जो खासा फ्रेश लगा। नाजिया हसन बेशक संगीत और फिल्मों में अपना लंबा करियर नहीं बना पाईं, लेकिन उनकी पहचान बेहद सशक्त थी। वो दिल की बहुत दयालु थी और गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई पाकिस्तान के जरूरतमंद बच्चों को दान कर देती थी। इसके अलावा वो फंड इकट्ठा करने के लिए भी कई कॉन्सर्ट्स करती थी। इन्होंने बैटल अगेंस्ट नारकोटिक्स यानी बैन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में काम करता था। नाजिया अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थीं। ये अपना हर बर्थडे बच्चों के साथ मनाती थीं। मौत के बाद आज भी इनका परिवार ऐसे ही इनका जन्मदिन मनाता है। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर ना सकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। अगर आपके पास भी नाजिया हसन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते चलते एक बात और, अगर आप भी फिल्मों, कलाकारों, गायकों, संगीतकारों आदि से जुड़ी जानकारियों के शौकीन हैं तो हमारा नया चैनल फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना पर भी अवश्य विजिट करें। यहाँ हम सुनाते हैं रेट्रो फिल्मी कहानियाँ कुछ अनोखे अंदाज में। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे कंगना को इजाजत। नमस्कार।